नमस्कार साथियों, मैं हूं चंद्रभान और आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लेकर के आया हूं जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि जीवन क्या है? क्या जीवन का मतलब सुख है? क्या जीवन का मतलब सफलता है? क्या जीवन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आनंद है? आपके मुताबिक जीवन क्या है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या कभी चिंतन किया है? अगर नहीं किया है तो जीवन पर चिंतन करना ये हमारा एक कर्तव्य है और आपको करना चाहिए, हमें करना चाहिए। ज़रूर बताइएगा कि जीवन क्या है। दोस्तों, मेरे मायने में जीवन की अगर बात करें तो जीवन के भी दो पहलू हैं। जीवन में सुख और दुख भी होते हैं, जीवन में सफलता के साथ असफलता भी होती है, जीवन में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। अगर ये दोनों एक साथ ना हो तो जीवन का मज़ा ही नहीं आएगा। लोग परेशान हो जाते हैं, जरा जरा में सुख की खोज में लोग दौड़ रहे हैं, इतना भाग रहे हैं सुख को खोजने के चक्कर में कि परेशान हैं लोग। जरा सी समस्या आती है घबरा जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में दुख नहीं है तो सुख का मतलब क्या होता है, सुख का एहसास कैसा होता है, शायद मालूम नहीं पड़ेगा। जीवन में अगर असफलता नहीं है तो सफलता के क्या मायने हैं और सफलता प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, नहीं पता चलेगा अगर आप असफल जीवन में नहीं होंगे। मुझे तो ये लगता है कि जीवन में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा असफल हुआ है और उसके बाद जब उसको सफलता प्राप्त हुई है तो उसे सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन बेकार है। तो मेरे दोस्तों, जरा जरा की परेशानियों में, जरा जरा के दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक जीवन का हिस्सा है, यही तो जीवन है। और अगर हमें जीवन जीना है तो हमें इन सभी प्रकार की परिस्थितियों को झेलना होगा, फेस करना होगा, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो। तो हम अगर चाहें तो जीवन के हर एक पल को जी सकते हैं, चाहे वो दुख का पल हो, चाहे वो सुख का पल हो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन के इस पल को कैसे जी रहे हैं। क्योंकि जो सांसें हैं उन सांसों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब सांसें जो आ रही जा रही हैं वो कब रुक जाएं। इसलिए जीवन के हर एक परिस्थितियों में अपने आप को जीना चाहिए, उसको सुख के समय को भी जीना चाहिए और दुख के समय को भी अच्छे से जीना चाहिए। अगर दोस्तों कड़वी चीज़ नहीं होती तो शायद मीठे का एहसास नहीं होता। दोस्तों, अगर अंधकार नहीं होता तो प्रकाश का भी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि प्रकाश तभी है जब अंधकार नहीं होता है, और जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता है। तो जीवन में इसी तरीके से जीवन के भी दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं, जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना, डटकर सामना करना चाहिए। तो ऐसा ही एक गीत है जो बहुत ही प्यारा गीत है और किशोर दा की आवाज़ में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको गाने की, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छांव धूप। ये जीवन है, ये न सोचो इसमें अपनी
हार है कि जीत है ये ना सोचो इसमें अपनी, हार है कि जीत है उसे अपना लो, जो भी जीवन की रीत है ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है, इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है ईश्वर के प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे ये कैसा बंधन है ये जीवन है, इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है। थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, यही है यही है यही है छाँव धूप ये जीवन है। थैंक यू।